Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace and divine blessings be upon all of you. Khawateen o hazrat, a very happy Mother's Day, Yaume Mother Mubarak ho. Islam mein maa ka darja intihai ahem aur azim hai. Aur iska andaaza is baat se lagaya ja sakta hai ki ek martaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se उनके एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज्यादा किसका हक है? आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ का. फिर पूछा, उसके बाद? आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ का. फिर पूछा, उनके बाद? आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ का. उसके बाद फिर सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब उसके बाद? आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे वालिद का. यानी तीन मरतबा मुसलसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हक बताया वो वालिदा का बताया, माँ का बताया. इसी वजह से इस्लाम में माँ का दर्जा इंतहाई अजीम और इंतहाई एहतराम के काबिल है. यही वजह है कि इस्लाम में माँ के कदमों तले जन्नत बताई गई है. यही वजह है कि इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो. यानी इल्म का सबसे पहला गहवारा माँ की आगोश है. ये मकाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में माँ का. आप तमाम हज़रात को यौम मादर मुबारक हो.